नमस्कार, रचना डेली किसीज में आपका स्वागत है। आज मैं सोया चाप की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चले हम शुरू करते हैं सोया चाप की सब्जी बनाना। उसके लिए मैंने 250 ग्राम सोया चाप ले लिया है और उसको थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दिया है, लगभग 5 मिनट। और इस तरह से इसको बीच से काट करके स्टिक निकाल लेंगे और फिर हम दूसरे तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। स्टिक इस तरह से खींच के हम स्टिक निकाल के रख लेंगे। इसी तरह हम सारे स्टिक निकाल के रख लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीस काटने हैं। इसको गर्म पानी में 5 मिनट रखने से ये सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये डीप फ्रीजर में रहता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको गर्म पानी में रख देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने एक बोल में 2 चम्मच दही लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच हम भुना हुआ बेसन ले लेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम सोया चाप डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और इसको मिला करके इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसका ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 लाल मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और इसका बारीक पेस्ट तैयार करके रख लेंगे। इधर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें सारे सोया चाप को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अलट पलट करके इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई करने से बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। इस तरह से इसको फ्राई करना है और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम ये फ्राई हो चुका है निकाल लेंगे। अब मैंने कुकर लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है और थोड़ा सा जीरा लिया है और कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं और जो हमने प्योरे बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे इसको। खड़े गरम मसाले मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी ली है। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च भी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मसालों को भून लें और इसमें हम फिर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप घर का भी फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं या मार्केट का भी डाल सकते हैं, मैंने घर का डाला है। और अच्छे से इसको चला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर से इसको एक बार चला लेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है और फिर से इसको एक बार चला लेंगे। अब इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा ही रहता है। और इस तरह से इसको मिला करके इसमें हम सोया चाप डाल देंगे और मिक्स करके कुकर को बंद कर देंगे। कुकर को बंद करने के बाद 1 सीटी आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और आप किसी भी ओकेजन पे इसको बना सकते हैं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।